दोस्तों यहाँ पर न्यू वाली वेन्यू आपके सामने है प्रॉपर। एंड इस गाड़ी का दूसरा दिन है काम होने में हमारी शॉप पे, दूसरे दिन डेकोरम पे काम हो रहा है। पहले दिन जो है काफ़ी काम होता है, जैसे कि ये डिफ्यूज़र वगैरह हो गया, फोग लैंप्स हो गए एंड ये डीआरएल वगैरह हो गई, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। साइड प्रोफाइल दिखाना चाहूँगा एक बारी, जो कि कल रात में इसमें काम हुआ। सो डोर वाइजर हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हुआ था क्रोम लाइन वाला, ये कल रात में फिट हुआ है। तो इसमें यहाँ पर हमारा लगा हैंडल क्रोम एंड नीचे की साइड हमने साइड बेडिंग इंस्टॉल करी है जो कि क्रोम वाली है, विद नेम यहाँ पे वेन्यू का आपको देखने में मिलता है, पीछे में इंस्टॉल हुई है। एंड ये जो बाहर की चीज़ें, मैं प्रॉपर जब काम खत्म हो जाएगा ना तो एंड में दिखाता हूँ इसका वॉक अराउंड आपको प्रॉपर। सो मेनली हमारा जो ड्राइविंग गेट है यहाँ से मैं काम एक बार आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। सो सबसे पहले तो यहाँ पे डैम्पिंग का काम हुआ है प्रॉपर, जो कि आपको काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की डैम्पिंग देखने को मिलती है। उस्ताद जी एक दरवाजे में तीन सीट है, एक दरवाजे में तीन सीट है, डेढ़ पीछे डेढ़ आगे यहाँ पर प्रॉपर। एंड फिनिशिंग वगैरह देख सकते हैं आप, बिल्कुल एचटीवर यहाँ पे फिटिंग करी है, जितने भी लॉक वगैरह हैं वहाँ से सारे के सारे यहाँ पे कटेड है, आप चेकअप कर सकते हैं प्रॉपर। ये सारी वायरिंग जो आ रही है, कपलर आ रहे हैं, सेंटर लॉकिंग वगैरह के, पावर विंडो के, वो सारे के सारे वापसी निकाल दिए हैं बाहर की तरफ। ये हमारा कंपोनेंट का सेटअप हुआ है जो देख सकते हैं आप, ये ब्लॉक पंक का वेलोसिटी अपना सीरीज़ आती है, ब्लॉक पंक की काफ़ी हाई सीरीज़ है एंड काफ़ी टॉप नॉच क्वालिटी वाली सीरीज़ है, कंपोनेंट बहुत अच्छा। एंड ये यहाँ पर आपको इसका क्रॉसओवर देखने को मिलता है वेलोसिटी सीरीज़ के नाम से, प्रॉपर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। सो आप प्रॉपर इसको चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी हैवी क्रॉसओवर है एंड काफ़ी हैवी कंपोनेंट सेट है हमारा। ट्विटर कहाँ पे लगे उस्ताद जी? ऊपर यहाँ पे जी, इस जगह पे लगे हाँ, बाहर ही अंदर लगा दिया, ये लगा दिया। अच्छा अंदर लगा दिया, ये लगा। सो यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट दिखा देता हूँ मैं, इस जगह पर करी गई है जो कि जेन्युइन जगह आती है बिल्कुल, यहाँ पर जाली के पीछे इसमें ट्विटर की प्लेसमेंट हुई है। कंपोनेंट मैंने आपको दिखाई दिया है, पीछे की तरफ भी दिखाता हूँ, पीछे की तरफ हमारे मिड रेंज स्पीकर इंस्टॉल होने हैं गाड़ी में से। यहाँ पे रूफ हमने यहाँ से निकाल दिए, रूफ में हमारा ब्लैक वाला वेलवेट लगने वाला है, वो मैं आपको जब लगेगा तो दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो कि नॉर्मली रूफ आती है हमारी गाड़ियों में, आपने देखी होगी काफ़ी हद तक, वो कारपेट वाले जैसा कपड़ा होता है ना उस टाइप में कुछ आती है। तो ये हमारी वेन्यू की रूफ है जो हमने अंदर से निकाली है, आपको दिखाया था मैंने, निकालने के बाद यहाँ पर रखी हुई है एंड इसके ऊपर हम लोग फैब्रिक लगाने वाले हैं। अभी के लिए जो कपड़ा है ये नॉर्मल सा कपड़ा आपको देखने को मिलता है, खादी खादी सा, एंड इसकी जगह पे प्रॉपर ब्लैक कलर का वेलवेट कपड़ा लगाएंगे। वो जब कपड़ा आता है ना, पहले आपको कपड़ा दिखाऊंगा, उसके बाद इसकी लगाने की फिटिंग वगैरह दिखाऊंगा कैसे लगाना है और कैसे लगता है, उसके बाद दिखाता हूँ बाकी सारी चीज़ें मैं। सो रूफ़ के साथ में हमारे ऊपर जो कपड़ा लगना है रूफ़ के ऊपर, वो भी यहाँ पर आ चुका है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। सो ये देख सकते हो आप, ये प्रॉपर वेलवेट वाला कपड़ा है, क्लोज से कुछ दिखाता हूँ, तो ये देखो प्रॉपर वेलवेट एंड ये हमारा बर्फी डिज़ाइन वाला है, छू के देखोगे तो भी बहुत अच्छा कपड़ा लगेगा आप। ये जो चीज़ है ना, शॉप पे आओगे तब जाके आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, वीडियो में इतना समझ नहीं आने वाला है। बाकी इसके ऊपर प्रॉपर ये कपड़ा जब इंस्टॉल हो जाता है ना, तब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। कपड़ा वगैरह देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा कपड़ा है, बिल्कुल प्रीमियम जो क्वालिटी वाला फील आता है ना गाड़ी के अंदर, ये लगने के बाद वो जाना है आपके लिए। वेन्यू का एक डोर यहाँ पर रखा हुआ है प्रॉपर, इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे फैब्रिक लगाया था, ये आप चेकआउट कर सकते हो। ये हमारा नापा लेदर वाला फैब्रिक है, प्लस में रेड स्टिचिंग है जो कि हमारे सीट कवर में आया था, प्लस एम मेड लाइट की फिटमेंट करी है यहाँ पे प्रॉपर, जो कि अपनी ऐप वाली कंट्रोल्ड लाइट होती है। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, तो ये हमारा को ड्राइविंग गेट है यहाँ पर, जिसका काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जैसे ड्राइविंग गेट है, काम मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड पैक हो चुका है। दूसरा वाला जो गेट है वो यहाँ पे आपके सामने है।
सो डैम्पिंग वगैरह की फिनिशिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग में काम करके दिया है। साइड साइड से कट वगैरह सारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एक एक वायर जो है सारी बाहर है। ये हमारे कपलर्स हैं एंड यहाँ पर ये वाली वायरिंग है प्रॉपर सेंटर लॉकिंग की। ये हमारा कॉम्पोनेंट है जो फिट हो चुका है। ट्विटर की प्लेसमेंट ऊपर की तरफ ही होती है जो कि यहाँ पर गेट के अंदर करते हैं हम। इसके अंदर ट्विटर की जो जगह बनी हुई है यहाँ पर हमने फिट कर दिया अंदर की तरफ जेन्युइन जगह पे। ये वेलोसिटी का हमारा क्रॉसओवर जो कि यहीं फिट हो जाएगा प्रॉपर। तो इस वाली वेन्यू के हमारे हेडलैम्प की बात करूँगा प्रॉपर, जो सामने इसका काम होने वाला सारा। सो मेनली जो सबसे मेन काम है यहाँ पे हेडलैम्प चेंज होना है, जो कि नॉर्मल आपका बेसमेंट वाला हेडलैम्प होता है जो ऐसा होता है, देख सकते हो आप प्रॉपर, जो आपका ई और एस दोनों वेरिएंट में ये वाला हेडलैम्प आपको देखने को मिलता है। इसकी जगह पे हम टॉप मॉडल का एसएक्स मॉडल वाला जो हेडलैम्प आता है वो लगाने वाले हैं, जो आपको सेम ये वाला देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर सेम ऐसा हेडलैम्प यहाँ पे हम जेन्युइन वाला इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। वो मैं जैसे हेडलैम्प आ जाता है तो तभी दिखाता हूँ आपको। ये वेन्यू की फ्रंट ग्रिल है। नॉर्मली जो ग्रिल आती है वो आपने ज़रूर देखी होगी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी। एंड यहाँ पर इसकी जगह पर हम लगाने वाले ये वाली जो ग्रिल होती है प्रॉपर वेन्यू की ग्रिल है। यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, लाइट वाली है, एलईडी बल्ब से सारे के सारे सारे एलईडी बल्ब में आते हैं। डिज़ाइन भी आपको सामने देखने को मिलता है, जैसे काम कंप्लीट होता है उसके बाद दिखाता हूँ बाकी सब में। सो रूफ जो है यहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़ा जो है प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है, एच ओ एच ये देख सकते हो आप। पीछे से दिखाता हूँ एक बारी में, तो ये चीज आप देख सकते हो एच टू एच फिटिंग हमने यहाँ पे करके दी है। एंड सामने का जो लुक है बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी गाड़ी में लगाने के बाद दिखाता हूँ कैसी लगती है। बिल्कुल वेलवेट है, प्रीमियम फीलिंग आपको देखने को मिलती है। क्लोज से दिखाऊं सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। सो हमारी वेन्यू में यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर इंस्टॉल हुआ है प्रॉपर, पीछे एक बार दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये एलईडी वाला आता है नॉर्मली, जो आपको देखने को मिलता है इसके बेस मॉडल के अंदर जो रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है बेस से लेकर टॉप तक, ये रिफ्लेक्टर कहीं भी नहीं आता है एलईडी वाला। नॉर्मली आपको ये वाला देखने को मिलता है जिसमें हेलोजन बल्ब होता है एंड ये नॉर्मली रहता है बस डेमो पीस। इसकी जगह पे हमने यहाँ पे एलईडी रिफ्लेक्टर लगाया है, जो यहाँ पे आप प्रॉपर चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर एलईडी है, ऊपर से एलईडी है ये प्रॉपर, ये देख सकते हो आप। सो हमारी वेन्यू के लिए जो सबवूफर रहने वाला है वो हमारा यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको। डीटी का रेड लाइन सीरीज का सबवूफर रहता है, इसका बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है। सो ये रहा हमारा डीडी ओटेगर सबवूफर का बॉक्स है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस के मामले में दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखने को मिल जाएगा 600 वॉट की पीक पावर है इसकी। ये रहा अपना सबवूफर रेड लाइन सीरीज का है। बॉक्स बिल्कुल कस्टमाइज है, सबवूफर के हिसाब से कॉन्फ़िगर करके बनाया गया है प्रॉपर। इसके जो आरएमएस पावर है उसके हिसाब से यहाँ पे बॉक्स को कस्टमाइज किया गया है। आवाज़ बहुत अच्छी आने वाली है गाड़ी में लगाने के बाद, देखते हैं। सो ये है हमारा प्रॉपर पीछे वाला जो डोर है गाड़ी का, इस वाली वेन्यू जिसमें हमने आपको डैम्पिंग होती हुई दिखाई है। यहाँ पर पीछे के डोर में एवेटार का मिड रेंज स्पीकर इंस्टॉल हुआ है। इसके साथ में ना कोई ट्विटर आता है ना ही कोई क्रॉसओवर वगैरह आता है, क्योंकि अपना प्रॉपर सिर्फ वोकल के लिए होता है। मेन काम सिर्फ और सिर्फ वोकल होता है, लेकिन बहुत लाउड वोकल निकालता है ये। आगे की तरफ कंपोनेंट का सेटअप है, उसमें ट्विटर होता है, थोड़ी सी छनकार रहती है। एंड जो स्पीकर है वो भी थोड़ा सा बेस वाला होता है, ये वाला प्रॉपर वोकल का होता है। तो दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। प्लस में बूट में भी हमारा बेस लगने वाला है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो मैंने आपको भी दिखाया था रेड लाइन सीरीज़ का डीडी का सबवूफर। सो स्पीकर्स के लिए जो हमारा एम्पलीफायर रहने वाला है, यहाँ पर पैनल साउंड का डबल आईसी वाला एम्पलीफायर रहने वाला है। इसकी वोल्टेज वगैरह वही मैं आपको डब्बे पे देख के बताऊंगा। एंड ये सारा का सारा जो अपने चारों स्पीकर्स हैं, आगे जो कंपोनेंट है एंड पीछे की तरफ जो मिड रेंज है, सबको ये कंट्रोल करने वाला है। एंड जो सबवूफर लगाने वाले हैं गाड़ी के अंदर है, उसके लिए हमारा मोनो एम्पलीफायर लगेगा अलग से। उन दोनों को भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। वायरिंग हमारी मैक्सिंग की इंस्टॉल हुई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 गेज की वायरिंग इंस्टॉल हुई है। सो सबवूफर वगैरह यहाँ पे मैं सेटअप आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एम्पलीफायर दिखा देता हूँ। वोल्टेक का मोनो एम्पलीफायर लगाया है यहाँ पे 4300D, जो इसकी मैक्स आउटपुट पावर है वो यहाँ पे 4300 वॉट है। एंड मोनो एम्पलीफायर से यहाँ पे डीडी का रेड लाइन सीरीज का सबवूफर चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आउटपुट वगैरह मैं काम कंप्लीट होने के बाद दिखाता हूँ। फिनिशिंग आप देख सकते हो पीछे बोर्ड लगा के की गई है प्रॉपर, तो यहाँ पे आपको फिनिशिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ पे पेच कसिंग है एंड प्रॉपर फिक्स हो जाएगा यहाँ पे ये। सो आप जो हेडलैम्प का अपने परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप प्रॉपर। ये हमारे हेडलैम्प का जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के अंदर हमारी 85 वॉट की HID है एंड वहाँ पे 72 वॉट की LED जो टर्निंग बल्ब है इसका। सामने फोकस आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ऑसम फोकस आपको देखने को मिलता है, काफ़ी दूर तक का देखने को मिलता है। फोग लैम्प में भी है, फोग लैम्प में भी हमारी LED लगी हुई है 75 वॉट की। सामने का फोकस आपके सामने है प्रॉपर। एक बार बंद करके दिखाता हूँ लाइट कैसी आ रही है यहाँ पे। सो यहाँ से करते हैं इसे ऑफ। सो ये देख सकते हो आप बिल्कुल बहुत कम लाइट और ये एकदम उजाला। जब हाईवे पे निकलते हो रात में तब आपको दिखेगा कि ये कितनी ज़्यादा तेज़ है हमारी HID, और LED रात में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपकी हाईवेज पे। सो साइड प्रोफाइल में आपको गाड़ी की दिखाना चाहूँगा। प्रॉपर डोर वाइजर एक इंस्टॉल हुआ है गाड़ी के अंदर हमारा, क्रोम लाइन वाला। लोअर गार्निश इंस्टॉल हुई है
हैंडल क्रोम्स लगे हैं एंड यहाँ पर साइड बिडिंग लगी है जिसमें आपको वेन्यू की बैजिंग देखने को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल का लुक कुछ ये है। अलॉयज भैया ने कंपनी से डलवा लिए थे, अलॉयज अपना वही लगाया जो क्रेटा वाला आता है, डायमंड कट वाला, बहुत अच्छा लग रहा है। साइड प्रोफाइल जो है गाड़ी की बहुत इनहेंस कर दी है हमने, सिर्फ अलॉय लिया था भैया ने, ये सारा आइटम जो है हमारा लगाया हुआ है एंड जो इनहेंसेबल लुक है आपके सामने है प्रॉपर। फ्रंट जो है बहुत इनहेंस हो चुका है, नॉर्मल गाड़ी से लेके ना फ्रंट अगर देखो गाड़ी का बहुत ज़्यादा ऑसम लुक देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। सो बाहर की तो बात हो गई है प्रॉपर, अब एक बार लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर, उसके बाद दिखाता हूँ क्या क्या अपग्रेडेशन मॉडिफिकेशन गाड़ी के अंदर हुई है। सो यहाँ आपको देखने को मिलती है सबसे कूल जो थिंग है हमारी, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट हो गई, एटीएम लाइट्स हो गई, ये अपनी स्कफ प्लेट्स हो गई जो गेट खोलते के साथ ही आपको एक लुक देखने को मिलता है अपना वेन्यू का ब्लू कलर की लाइट में एंड अंदर बैठ के दिखाता हूँ प्रॉपर गाड़ी का व्यू। सो यहाँ देख सकते हो एंड ये अभी जो है ना लाइट सारी ऑटो मोड पे है, तो यहाँ पे आपको ऐप से भी कंट्रोलेबल का सारा जो मतलब मिलता है ना सब आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो सारी लाइट्स। इस साइड से भी जल्दी सारे के सारे गेटों में लाइट्स लगी है, प्लस में नीचे पैरों पे लाइट लगी है जहाँ ये लगती है एटीएम लाइट जिसे कहते हैं, ये हमारी एम्बिएंट लाइट होती है प्रॉपर। स्टीयरिंग कवर यहाँ पे हमने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है, ये आप चेकआउट कर सकते हो एंड यहाँ पर हमने इस वाले के ऊपर भी लेदर ही चढ़ाया है, सो ये आप चेकआउट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। नॉर्मली आपको देखने को मिला ही होगा, आपने जब भी गाड़ी लेते हो नॉर्मल देख रहे हैं, ये देखना ज़रा कितना ज़्यादा लुक इसका एनहेंस हो जाता है। यहाँ पर बिल्कुल ही प्लास्टिक दिया है कंपनी ने, इसलिए यहाँ लगा नहीं सकते, वरना यहाँ का जो लुक है और अच्छा आता है। अभी के लिए हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो यहाँ का आपको कमेंट करके बताना है कैसा लग रहा है। एंड यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे कूल थिंग है, वो है हमारी रूफ। सो ये आप चेकआउट करो, प्रॉपर वेलवेट रूफ हमने यहाँ पे करी है इस गाड़ी के अंदर। एक बार क्लोज से दिखाता हूँ लुक इसका कुछ। सो ये आप देखिए इस तरीके से एकदम चलती है और बहुत ज़्यादा अच्छी रूफ लगती है अंदर से ना, बिल्कुल कार एकदम प्रीमियम वाला फील आता है। नॉर्मली आपने रूफ मैंने आपको जरूर दिखाई थी कैसी लगती है, इस कलर में होती है, खादी खादी सी होती है, वो मज़ा आता नहीं है गाड़ी में जब इंटीरियर भैया ने बनवाया है। ये पिलर देखिए आप, प्रॉपर ब्लैक पिलर कराए हैं, ब्लैक पिलर हो गए। अब रूफ जो है बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही है, अंदर गाड़ी का जो इंटीरियर है ना एकदम नेक्स्ट ऑफ द लेवल हो चुका है गाड़ी में, बहुत इनहेंस हो चुका है लुक। दूर से अलग ही दिखती है गाड़ी के अंदर जब ये यहाँ पे रूफ ब्लैक होती है, और ये है वेलवेट वाली, प्रीमियम कपड़े वाली, महंगे कपड़े वाली, ये चीज़ दिखती है आपको गाड़ी में आपने पैसे लगाए हैं। पीछे के सीट कवर का भी लुक दिखाना चाहूँगा। सो ये चीज़ें आपको जब आप गाड़ी में अपने पैसे खर्च करते हो तो डेकोरम पे आके आपको दिखती है कि आपने क्या काम कराया है यहाँ पे। दूर से ही बंदा देख के गाड़ी को बोलेगा कुछ चीज़ लगी हुई है, कुछ मॉडिफिकेशन हुई है गाड़ी के अंदर यहाँ पे। सो ये बात तो यहाँ पे नॉर्मल जो लाइटनिंग की मॉडिफिकेशन हो गई है, रूफ की हो गई, सीट कवर की हो गई, इंटीरियर के बारे में। अब चलते हैं एक बार इसके साउंड सेटअप की तरफ। तो मैंने जैसे ही आपको बताया है कॉम्पोनेंट आगे लगे हैं, पीछे हमारा मिड रेंज लगा है, सबसे पीछे बूट में सबवूफर इंस्टॉल हुआ है रेड लाइन सीरीज़ का एंड यहाँ पे मैं आपको एक बार आउटपुट दिखाता हूँ। दो एम्पलीफायर लगे हैं, पैनासोनिक का और एक वोल्टेक का, वोल्टेक का मोनो है, पैनासोनिक का 4 चैनल है। अब यहाँ से हम करते हैं इस गाने को एक स्टार्ट, यहाँ आवाज़ कर देते हैं थोड़ी सी। सो आउटपुट आपने यहाँ पे देखा है गाड़ी का, बहुत ज़्यादा नाइस लग रहा है। दूर दूर तक गाड़ी की आवाज़ आ रही है, बहुत से बंदों ने आके पूछा क्या सिस्टम लगाया है, क्या सिस्टम लगाया है। इतना ज़्यादा नेक्स्ट ऑफ द लेवल हम काम करके देते हैं जब आप गाड़ी लेके आते हो अपने पास, नई गाड़ी खरीद के लाते हो यहाँ पे, काम कराते हो, सिस्टम लगवाते हो, इंटीरियर करवाते हो, गाड़ी में अलग से आपके पैसे लगे हुए दिखेंगे, आपने कुछ काम कराया, डेकोरम कार से मॉडिफिकेशन कराई है। एक बारी वॉक अराउंड दिखाऊँ मैं गाड़ी का आपको दूर से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर
फ्रंट जो सबसे खतरनाक काम हुआ है ना फ्रंट पे, तो बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे लुक जो है बहुत इनहेंस हुआ है। प्रॉपर वेन्यू आपको सामने लिखा देखने वाला है। ग्रिल का ऑप्शन आपके पास और भी है, एक दो तरीके की और ग्रिल आपको देखने को मिलेगी। वो आप शॉप पे आओगे, शॉप पे आके चेकआउट करना कितनी सारी ग्रिल मिल जाएगी। डेकोरम कार पे सारा काम हुआ है। शॉप ये रही हमारी करोल बाग में। बाकी सारी लोकेशन वगैरह सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। वहाँ सारा का सारा मतलब अपना हमने मेंशन कर रखा है, एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इजीली आप सिंपली कॉल करके एक बारी अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो डायरेक्ट शॉप पे काम कराने के लिए। भले ही आपके पास वेन्यू हो या कोई भी गाड़ी हो, आप किसी भी गाड़ी को मॉडिफाई करा सकते हो। आपको स्क्रीन में आप नंबर देखने को मिल जाएगा, इवन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी कॉल करिए, जो भी गाड़ी हो आपको सारा का सारा सामान आपको अवेलेबल मिलेगा यहाँ पर।